नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट के कारण ये सीरीज मैं लेके आ रही हूँ, जिसको मैंने प्रैक्टिस सीरीज नाम दिया है। आप घर बैठे इन वीडियोस के माध्यम से बहुत आसानी से रियाज कर सकते हैं। जो बहुत साल से संगीत छोड़ दिए हैं, लेकिन मन के कोने में उनको इच्छा है कि संगीत प्रैक्टिस शुरू करें, कहीं जाना नहीं होता है, गुरु आपको मिल नहीं रहा है, तो इन वीडियोस के माध्यम से आप आराम से संगीत सीख सकते हैं। और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, वे भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना रियाज को जारी रख सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इन वीडियोस में वो सारे कोर्स को प्रोवाइड करूं, आप एटलीस्ट दो एग्जाम्स दे सकेंगे। दो एग्जाम्स देंगे तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप संगीत को आगे भी जारी रखेंगे। अगर आपका साथ रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा, मैं स्वस्थ रही, तो ज़रूर आगे भी ऐसे ही सीरीज़ मैं बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं 21 सीरीज़ बनाने वाली हूँ। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में, अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है संगीत प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ आप 10 से 15 मिनट निकालिए। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस मैं रखूँगी, कोशिश ये करूँगी कि ये 10 से 15 मिनट तक का ही हो, ताकि आप बहुत आसानी से एट ए टाइम बैठ के, एक साथ बैठ के 10 से 15 मिनट आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मैं दूंगी, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप आगे का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको पता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक है तानपुरा, हारमोनियम और तबला। मैंने कोशिश किया है कि तानपुरा का सुर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और संगत के लिए, मतलब मैं एक बार गाऊंगी, आपको जो गाना है आपको हारमोनियम का संगत मिलेगा। सिर्फ सुर नहीं, ताल के साथ भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि तालों का नॉलेज भी मैं बीच बीच में देती रहूंगी। जो थोड़ा एडवांस बैच में है, मतलब जिनको सारेगामा वगैरह आता है, वो भी मेरे वीडियोस को देख लीजिए, जस्ट एक बार देख लीजिए। हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो पहले आपने कभी सीखा नहीं है। मैंने स्केल रखा है ए, क्योंकि जो मेल है वो भी गा सकते हैं और जो फीमेल है वो भी गा सकते हैं। मेरे साथ साथ आप गा लीजिए पूरा जो भी मैं अभ्यास कराऊंगी ए स्केल में। उसके बाद आपको जब लगने लगेगा कि मुझे थोड़ा बहुत सुर का ज्ञान हो रहा है और सुर हमारे गले में आ रहा है, तब आप मेरे वीडियो को बंद करके अपना स्केल, वैसे मेरे स्केल के ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके देख लीजिए। अपना स्केल को डिसाइड करके उस स्केल में प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 5 से 6 बार मेरे वीडियो के साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप संगीत के प्रति बहुत सिंसियर हैं, एक काम करिए, आप एक नोटबुक को मेंटेन करिए, जो भी लेसन मैं दूंगी उसको आप लिख लीजिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए, तो बार बार मेरा वीडियो को ऑन ना करना पड़े, बार बार मेरे वीडियो को देखना ना पड़े। इसलिए आप एक नोटबुक को मेंटेन करके उसमें आप लिखते जाइए, हो सके तो आप अपना जो प्रोग्रेस है उसको भी मार्क करके रखिए, उसको भी आप नोट करके रखिए। वीडियो के बीच में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि उससे जो प्रैक्टिस का फ्लो है वो खराब होता है, डिस्टर्बेंस होता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगा रियाज रिलेटेड, वो आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करके रियाज को जारी रख सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिस करते हुए जो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है, आप मुझे शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से। अगर आप शेयर करेंगे तो उन कमेंट्स को
मैं आगे डिस्कस भी करूंगी, आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको भी मैं सॉल्व करती रहूंगी अगला वीडियोस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रियाज। Thank you.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.